हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवोल्यूशन एजुकेशन। आज हम करेंगे आरआरबी एनटीपीसी स्पेशल सेशन जो है जनरल अवेयरनेस का। अगर आप एनटीपीसी की तैयारी नहीं कर रहे हैं तब भी आप देख सकते हैं इसे, ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए किसी में भी आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। द कलर ऑफ सॉलिड आयोडीन इज, सॉलिड आयोडीन का कलर क्या होता है? वाइट, कलरलेस, पर्पलिश ग्रे टू ब्लैक, रेडिश ब्राउन। तो इसका आंसर है आंसर नंबर सी, पर्पलिश ग्रे टू ब्लैक। अब अगला क्वेश्चन, हु वॉज द लास्ट एम्परर ऑफ मौर्य डायनेस्टी, मौर्य वंश का आखिरी राजा कौन था? चंद्रगुप्त, अशोका, बृहद्रथ, सत्यधन्वम। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर सी, इसका राइट आंसर है और सबसे पहला राजा चंद्रगुप्त था मौर्य वंश का, चंद्रगुप्त मौर्य। आंसर नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, बृहद्रथ। अब अगला क्वेश्चन, इन अ वेब ब्राउजर विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू सेव फ्रिक्वेंटली विजिट वेबसाइट, हिस्ट्री, टास्क मैनेजर, फेवरेट्स एंड सेवर्स। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर सी, आंसर नंबर सी, फेवरेट्स। अब अगला क्वेश्चन, द खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज लोकेटेड इन, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, मध्य प्रदेश। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक, ऑन विच लेक द गोल्डन टेम्पल लोकेटेड, अमृत सरोवर लेक, गोल्डन लेक, हरिके लेक, सुखना लेक। तो इसका आंसर है आंसर नंबर सी, हरिके लेक। अब अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज इन्वेंशन कम फर्स्ट, सबसे पहले कौन सी इन्वेंशन इसमें से हुई? ए टेलीग्राफ, टेलीस्कोप, टेलीफोन, टेलीटाइप। तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, टेलीस्कोप, जो ऑलमोस्ट 1622 के आसपास इसकी खोज हुई थी और सब टेलीग्राफ टेलीफोन 1800 सेंचुरी में हुई और ये 1900 में टेलीटाइप। और अगला क्वेश्चन हम करेंगे, विच आर्ट फॉर्म वाज मृणालिनी साराभाई एसोसिएटेड विद, किस कला से मृणालिनी साराभाई संबंध रखती हैं? तो इसका आंसर है आंसर नंबर सी, भरतनाट्यम। अब अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम फॉर वन डे इंटरनेशनल, भारत का प्रथम कप्तान इंडियन क्रिकेट ऑफ इंडियन क्रिकेट एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय खेलों में। तो इसका आंसर है आंसर नंबर ए, अजीत वाडेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, Mm-hmm.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, इनमें से कौन सा? आंसर नंबर डी कॉपर डाइऑक्साइड, कॉपर डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कॉपर डाइऑक्साइड। आंसर नंबर डी इज करेक्ट। अब अगला क्वेश्चन, ऑन विच फेस्टिवल डिड द जलियांवाला बाग मास्कर टेक प्लेस, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस त्यौहार पे हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बैसाखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द रिपब्लिक ऑफ इंडिया द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ यूनियन टेरिटरी, लेफ्टिनेंट जनरल, गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, गवर्नर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जिसे हम कहते हैं एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैकवाड़ी प्रोजेक्ट विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट इज ऑन द रिवर, किस रिवर पे है ये? ये है गोदावरी रिवर। आंसर नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन इंडिया, द राइट आंसर इज आंसर नंबर सी सियाचिन ग्लेशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज द फर्स्ट वुमेन्स स्पोर्ट टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन द ओलंपिक्स, जिमनास्टिक्स, वॉलीबॉल, गोल्फ या बैडमिंटन? इसका राइट आंसर है आंसर नंबर सी गोल्फ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम 1337 टू 1453 हु वर द मेन कॉम्बेटेंट इन द 100 ईयर्स वॉर, 1337 से 1453 तक जो मेन दो कॉम्पिटेटर थे वो कौन थे? आंसर इज आंसर नंबर डी इंग्लैंड एंड फ्रांस। इफ द पीएच वैल्यू ऑफ सब्सटेंस इज लोअर देन 7 इट वुड बी कंसिडर्ड एज, आपको पता है 0 से 14 तक होता है रेंज पीएच स्केल का, 7 होता है न्यूट्रल, इसके इधर एसिड, इसके इधर बेस, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी एसिड। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इन 2013 द फर्स्ट ह्यूमन लिवर वॉज ग्रोन फ्रॉम स्टेम सेल इन जापान, यूएसए, जर्मनी और फ्रांस, द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर ए जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट बेसिलिका ऑफ बॉम जेसस लोकेटेड, गोवा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल? राइट आंसर आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम, चीज, कोलॉड ग्रीन्स, फिक्स, कैरेट? राइट आंसर इज आंसर नंबर डी कैरेट। नेक्स्ट, इंडियन टू बिकम अ नोबल लॉरिएट, सबसे प्रथम भारतीय जो नोबल पुरस्कार विजेता रहा है वो है रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, इंडियन बॉर्न शिवा अयादुरई इज एसोसिएटेड विद द इन्वेंशन ऑफ ईमेल, इंटरनेट, कीबोर्ड, माउस? तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए ईमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच कंट्री इज द फंडामेंटल ड्यूटी
ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरो फंडामेंटल ड्यूटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, USSR रशिया जो इस समय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया द हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड अबव सी लेवल लाइज इन विच स्टेट? हिमाचल, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, असम। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश, चहल क्रिकेट स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1831 इलेक्ट्रिसिटी बिकम वायबल फॉर यूज इन टेक्नोलॉजी व्हेन डैश क्रिएटेड इलेक्ट्रिक डायनेमो। इसमें मेनली पूछा है इलेक्ट्रिक डायनेमो किसने बनाया, तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी, माइकल फराडे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इन एयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डीकोलोरेशन ऑफ ब्रास? ब्रास को डीकोलोरेशन करने के लिए कौन सा इसमें से गैस रिस्पॉन्सिबल है? तो इसका राइट आंसर है हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन नंबर ए। इंडियन नेशनल मोटो सत्यमेव जयते इज अ मंत्र फ्रॉम एंशियंट इंडियन स्क्रिप्चर ऋग्वेद, मुंडक उपनिषद, भगवद गीता, मत्स्य पुराण। तो इसका राइट आंसर है बी, मुंडक उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस विच कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम गेट लोडेड फ्रॉम हार्ड डिस्क टू मेन मेमोरी इज कॉल्ड बूटिंग, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ INC इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो हम लोग जानते हैं इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, WC बनर्जी। द मुगल एम्पायर वॉज फाउंडेड बाय, सबको पता होगा, ए बाबर। द ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड इन एशिया इज लोकेटेड इन, बी आसाम, डिगबोई ऑयल फील्ड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? साउंड वेव्स आर डैश वेव्स, प्रेशर, लॉन्गिट्यूड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैकेनिकल। सी 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 इज फॉल्स, साउंड वेव आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी बोन्स डज अ न्यू बॉर्न बेबी हैव? ऑलमोस्ट 350, आंसर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर लाइट हैज लोएस्ट फ्रीक्वेंसी? तो आप जानते होंगे विब जो ये फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर है बढ़ते हुए क्रम में, सबसे हाईएस्ट होती है फ्रीक्वेंसी वो वायलेट की और सबसे ज़्यादा होती है रेड की, तो रेड यानी कि सी। और सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ पूछता है तो वो होगी रेड की। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओनली नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? सबको पता होगा ब्रोमीन, बी से ब्रोमीन। मंच इज अ फॉक डांस फ्रॉम मध्य प्रदेश MP, इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्टिसाइड हार्मफुल इफेक्ट
come under media attention which health issue in Keral was published. Indosulfan, lethal, timet, monosil. Right answer is A. Indosulfan. Next question. Choose the one who is different from others. Odd one out. ये reasoning का question आ गया इसमें. तो aluminium, iron, copper. यहाँ पे एक है ये brass alloy. D. According to constitution, the ratio between the length and breadth of national tricolor should be 3:2. A. In 1981, ISRO launched India's first geostationary satellite, that is Apple. Next question. Which of the following was the first antibiotic discovered by Alexander Fleming in 1928? ये तो बहुत repeat question है, बहुत बार repeat करता है. A. Penicillin. Which of the following act under the Indian Constitution is described by Article 21A? Article 21A, right to education. A is correct. Which of the following monument built by Muhammad Quli Qutub Shah is said to be built to commemorate the eradication of plague? The right answer is Char Minar. B. Next question. The operating system Unix, UNIX, is the trademark of B. Bell Laboratories. Next question. The first large-scale electric air conditioner was invented and used in 1902 by A. Willis Carrier. Which of the following is most commonly kidney stone forming compound? A. Calcium oxalate. Next question. In 2015, underground glacier of frozen water was discovered on which planet? A. Mars. Next question. Which leader adopted Orthodox Christianity as the official religion of Russia? The answer is A. Mars. Next question. Which leader? Same question, I think. Vladimir the Great. Right answer is A. Vladimir the Great. Next question. On an average, how many taste buds are present in a human tongue? Right answer is A. 2,000 to 8,000. Next question. The father of Indian space program. B. Vikram A. Sarabhai. Next question. The filament of a bulb, light bulb, is made up of. Answer is C. Tungsten. Next question. Which among of the following become the first tourist to space by spending 20 million for 8 days in orbit? Right answer is D. Mark Shuttleworth. Next question. C12H22O11, ये किसका फार्मूला है? ये है sugar का फार्मूला. B is
राइट। इन टेनिस हार्ड कोर्ट इज द टाइप ऑफ कोर्ट विच सरफेस इज मेड अप ऑफ कॉन्क्रीट। आंसर ए कॉन्क्रीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया वॉज कंपोज बाई, ये सबको पता होगा, बंकिम चंद चटर्जी। बी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। राइट आंसर इज डी ओजोन डिप्लेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया वर बिल्ट इन 1911 टू कमोमोरेट द विजिट ऑफ किंग जॉर्ज सिक्स एंड क्वीन मैरी, दैट इज गेटवे ऑफ इंडिया। आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। विच इज इंडियाज लॉन्गेस्ट रिवर दैट डज नॉट फ्लो इन टू द सी। यानी कि ये पूछ रहा है एक तरीके से लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी इंडिया की, वो है बी जमुना, जो कि गंगा में गिरती है। वॉट इज द मोस्ट कल्टिवेटेड क्रॉप इन इंडिया, दैट इज राइस। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, इन विच सिटी इज द वैल्यू ऑफ कोल डिटरमाइंड, दैट इज लंदन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। इन इंडियन स्पोर्ट व्हाट डज HIL स्टैंड फॉर, हॉकी इंडिया लीग। सी इज करेक्ट। एट व्हाट टाइम डिड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस ऑफ 15 अगस्त 1947, दैट वॉज मिडनाइट। सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, WLAN स्टैंड फॉर वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्किंग। ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द मोस्ट एबुडेंट कंबिजेबल नेचुरल गैस। राइट आंसर इज ए प्रोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, दैट इज वूलर लेक। डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थैंक यू दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को इसे शेयर भी करें।